हेलो एवरी वन सो लेट स्टार्ट द ब्लॉग आई एम एंकी बुक टाटस गोवा ओनर मैं अपने स्टूडियो आ गई थी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग किया ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की उसके बाद मैंने ये न्यू बुक मंगाया था सो तो मैंने थोड़ा सा रीड किया वैसे मैं काफ़ी बुक मंगाती हूँ बट मैं कभी कम्प्लीट नहीं करती हूँ थोड़ा बहुत रीड किया उसके बाद मैंने ये आप देख रही हो ये है फेक स्किन इसको स्किन पैड बोलते हैं हम टाटू आर्टिस्ट सो तो ये मैंने पहले ही ले, ले कर रखा था और मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था कि मुझे शिव जी का पोर्ट्रेट टाटू इस पर प्रैक्टिस करना है तो आज वो शुभ दिन आ ही गया और मैंने सब सेटअप कर लिया पहले जो भी मेरा सामान था इंक एन कप नीडल एवरीथिंग मैंने सब सेटअप कर लिया था उसके बाद ये स्टेंसिल मैंने पहले ही बना के रखा था मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी दिनों से प्लान था बट ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो आज मैंने सोचा चलो आज कंप्लीट करते ही है प्रैक्टिस करते हैं सो फिर उसके बाद मेरे पास जो वैक्स होता है डिओड्रेंट हम कहते हैं स्किन पैड पर लगाते वो एक्चुअली मेरे पास नहीं था सो मैंने लॉक्स जेली लगा आया और स्टेंसिल उस पे लगा दी एक्चुअली वो लगाने के बाद इसे थोड़ा देर धूप में रखते हैं ताकि वो स्टेंसिल जल्दी से मिट ना जाए बट मेरे पास वो चीज नहीं था तो मैंने ये लगा के थोड़ा देर इसे रखा था ताकि ड्राई हो जाए अच्छे से और उसके बाद फिर मैं इस पर प्रैक्टिस करूंगी जो बिगनर्स होते हैं सो उसी पे प्रैक्टिस करते हैं हम जब मैं अपना टैटू कोर्स कर रही थी तो मैंने डायरेक्ट हमें स्किन नहीं मिलती है सो हम इसी पे प्रैक्टिस करते हैं सब सब लोग इसी पे प्रैक्टिस करते हैं ऐसा नहीं है कि सबको डायरेक्ट स्किन आ, मिल जाती है आ, सो जो भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनके लिए तो यही होता है एंड उसके बाद मैंने टाटू बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने पहले लाइनिंग कम्प्लीट की इसके इसमें बहुत शेडिंग्स भी थी डार्क पार्ट भी था तो वो सब मैं कंप्लीट कर रही थी काफ़ी कुछ था तो थोड़ा टाइम लगता है और एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो स्किन होती है स्किन पैड फेक स्किन इसमें इंक जल्दी नहीं जाती है जैसे हमारी रियल स्किन होती है उसमें एक दो बार में चला जाता है इंक बट इसमें बहुत टाइम लगता है सो और टैटू भी बहुत बड़ा था तो इसे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा था फिर भी मैंने जितना हो सका कम्प्लीट किया वैसे मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी क्योंकि ये कम्प्लीट नहीं हुआ था जितना भी हुआ मैंने किया और फिर मुझे एक मैम का कॉल आ गया था एक्चुअली उन्हें मंडला मंडाला uh, बनाना था बैक uh, पे सो uh, so, उन्हें कुछ डिज़ाइन्स चाहिए थी तो मैंने मैम को बोला अगर आप आ सकते हो स्टूडियो तो आप आ जाइए मैं आपको दिखा दूँगी बट शी सेड कि वो दो दिन में आएगी बनाने अगर आप डिज़ाइन भेज सकते हो तो मुझे भेज दो सो so, मैं उनके लिए कुछ डिज़ाइन सर्च कर रही थी लैपटॉप में और मुझे बहुत सारे डिज़ाइन मिली वैसे उन्हें बड़ा नहीं चाहिए था काफ़ी सो आई वाज लुकिंग फॉर मीडियम साइज़ की उन्हें अच्छा लगे और मैं वो सेव करके रख रही थी तो मैं उन्हें कुछ भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। देखते हैं फिर वो कब है। ओके गाइज थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग माई ब्लॉग कल मिलते हैं बाय बाय